इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। इंडिया कुड सून बिकम भारत। इंडिया अलायंस पार्टनर्स हैव आर्ग्यूड दैट दिस इज एन अटेम्प्ट टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंडिया टू भारत बिकॉज द गवर्नमेंट। क्यों इंडिया का नाम खत्म करने जा रही सरकार? क्या है भारत बनाम इंडिया विवाद? देश का नाम कैसे पड़ा भारत? जाने क्या कहते हैं पुराण के विद्वान, इंडिया या भारत, क्या बदला जा सकता है नाम? नमस्कार दोस्तों, द ग्रैंड डायरी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की पीएम मोदी की सीट पर लिखा भारत। G20 समिट के संबोधन में कहा भारत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यों शुरू हुई इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट। क्या सरकार इंडिया शब्द ही खत्म कर देना चाहती है? विपक्षी दलों को इंडिया शब्द के हटाने पर आपत्ति क्यों? संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम कैसे आए? तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पर पहले आप सभी ऐसे ही रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। पर सवाल ये है कि क्या वाकई देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके विवाद की शुरुआत और देश का संविधान क्या कहता है। तो क्या सरकार इंडिया शब्द खत्म करना चाह रही? विपक्ष को इस पर एतराज क्यों? G20 समिट में एक बार फिर इंडिया वर्सेस भारत सुर्खियों में था। इसकी वजह ये थी कि जब पीएम मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उनकी सीट पर भारत लिखा हुआ था। इससे पहले देश का नाम इंडिया लिखा जाता था। बात यहीं खत्म नहीं होती। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को एड्रेस करते हुए देश का नाम लेते हुए इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी के एक्स हैंडल पर अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। इतिहास में 3 बार भारत का जिक्र आता है। एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा सबसे अनादि भारत, जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं और जिन्हें जैन धर्म का तीर्थकर आदिनाथ भी कहते हैं। इनका नाम ऋषभ देव है और ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। बेंगलुरु से शुरू हुआ था विवाद। इंडिया शब्द पर विवाद की शुरुआत 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग से हुई थी। बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रखने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया था कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया गुलामी का नाम था। इस नाम का आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जोड़ा जाने लगा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इंडिया शब्द को हटा दिया और इसे भारत से हटाने की मांग करने लगे। राष्ट्रपति मुर्मू के निमंत्रण में भारत लिखा। G20 समिट में हिस्सा लेने आ रहे सभी देशों के प्रतिनिधियों को 9 सितंबर को रात्रि भोज के लिए न्योता दिया गया था। इस भोज के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी राज्यों के संघ पर भी हमला कर रही है। क्या कहता है संविधान? अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो उसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में ये स्पष्ट लिखा है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। इंडिया या भारत कौन सा सही शब्द? भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दोनों ही शब्द सही हैं। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। संविधान में कैसे रखा गया नाम? 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में बैठक हुई थी। इसमें नए बने राष्ट्र के नामकरण पर सभा के सदस्यों ने चर्चा की थी।
इस दौरान सभा के सदस्यों की तरफ से विभिन्न नामों का प्रस्ताव रखा गया, जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमिक, भारत वर्ष, लेकिन आखिर में संविधान सभा ने भारत और इंडिया रखने का फैसला लिया, जिसमें अनुच्छेद पैराग्राफ 1 संघ का नाम और क्षेत्र टाइटल दिया गया। इंडिया या भारत, क्या बदला जा सकता है नाम? इंडिया का जो नाम है किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है और अमेंडमेंट के जरिए आप इंडिया का नाम भारत रख सकते हैं, भारत वर्ष रख सकते हैं, आर्यवर्त रख सकते हैं, जम्बू द्वीप रख सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के ऊपर है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।